हे एवरीवन, वेलकम टू व्हील कंपेनियन। सो आज हम हाइट टेस्ट करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बाइक में, जो कि होने वाली है ड्यूक 390, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे थे इस बाइक में वीडियो बनाइए। सो फाइनली आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस बाइक तक पहुँचने के लिए, काफ़ी एफर्ट लगे हैं इस बाइक तक पहुँचने के लिए। सो आज आपको पता चलेगा इस बाइक में कौन सी हाइट बहुत सुटेबल रहने वाली है, और आपको एंड तक पता चलेगा कि आपकी हाइट इसमें सुटेबल रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो भाई सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूँ 5.2 फीट हाइट वाले बंदे को, वो कितना अच्छा कंट्रोल और मैनोर कर पाते हैं। सबसे पहले उनसे पूछते हैं बाइक कैसी लग रही है। भाई आके दिखाओ पहले तो, और बाइक कैसी लग रही है पहले बताओ। अरे बाइक तो यार ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, अब पता नहीं, अब देखते हैं कैसी चलती है। मेरे मुश्किल तो लग रहा है मुझे ये उठाना, अब देखते हैं अभी। चलो भाई बैठा के दिखाते हैं पहले, चलो बैठ के दिखाओ। भाई देख सकते हो एक पैर तो क्लियरली पहुंच जा रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से, लेकिन दूसरा वाला पैर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहा, आप आराम से देख सकते हैं। इसकी सीट हाइट बहुत ऊंची है यार नॉर्मल बाइक से। तो भाई से पूछ भी लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है लिफ्ट करने में, और वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। भाई लिफ्ट करने में तो ये काफ़ी हार्ड हो रहा है मुझे, 5.2 वालों के लिए तो काफ़ी हार्ड बाइक है ये, मैं उन्हें ये रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह है तो शायद वो कर सकते हैं, बाकी तो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कैसे कर सकते हैं। ये बताओ आपको कैसा लग रहा था। मेरे को तो काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए, फिर फालतू में हमारे ऊपर ही खर्चा आएगा, इस वजह से मैं रिकमेंड तो नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वो आपके ऊपर है, आपको कितना अच्छा बाइक चलाना आता है। बिगनर्स के लिए तो ये काफ़ी हार्ड बाइक होगी मेरे हिसाब से। तो ठीक है भाई, 5.2 फीट वाले तो नहीं चला पा रहे, बट हाँ 3 को भी मैं नहीं बोलूँगा ऐसा कि 3 भी चला पाएंगे इसको, बिगनर्स तो बिल्कुल भी नहीं, जो एक्सपीरियंसड हैं वो चला सकते हैं। बट 5.4 के लिए ये थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं वो लोग, और 5.5 वाले को तो मैं बुलाने जा ही रहा हूँ। तो भाई अब मैं बुलाने जा रहा हूँ 5.5 वाले को, वो कितना अच्छा कंट्रोल और मैनोर कर पाते हैं आप भी देखिए। तो भाई आओ। भाई आप लोग देख सकते हैं दोनों तो इजीली पहुंच जा रहे हैं, बट उतना रिलैक्स तरीके से भी नहीं बोलूंगा मैं। सो इनसे खुद भी पूछ लेते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है बाइक उठाने में। बाइक उठाने में इतनी डिफिकल्टी है नहीं, बस हल्की सी हैवी है बाइक या औरों के हिसाब से बस। आपको लिफ्ट करने में कैसा लगा, मतलब ऊंची लगी बाइक या और बाइकों की तरह नॉर्मल लगी है। औरों से थोड़ी सी ज़्यादा हाइट है इस पर, और तो फिर चलने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस पर ज़्यादा। और आप बिगनर्स को क्या बोलना चाहेंगे। बिगनर्स पे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, फिर टाइम के साथ चलाते रहो तो गाड़ी आराम से चलेगी। ठीक है भाई, 5.5 वाले तो एटलीस्ट इसको चला सकते हैं यार, आराम से चला सकते हैं। लेकिन 5.4 वाले को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, फिर भी वो चला सकते हैं मतलब। लेकिन 5.2 वालों को तो मैं बोल ही देता हूँ यार अनकंफर्टेबल डेफिनेटली होने वाला आपको। सो भाई अब मैं बुलाने जा रहा हूँ 5.6 फीट हाइट वाले बंदे को, वो कितना अच्छा कंट्रोल और मैनूवर कर पाते हैं। सो उन्हें बुलाते हैं। भाई आओ। भाई इनके फीट देख सकते हो आप, दोनों तो इनके भी इजीली पहुंच जा रहे हैं, और पैर इनके भी नहीं पहुंच पा रहे हैं ऑल्दो, बट फिर भी इनसे पूछ के दिखाते हैं ये कितना अच्छा कंट्रोल और मैनूवर कर पा रहे हैं। भाई आपको लिफ्ट करने में कैसा लग रहा है। लिफ्ट करने में तो काफ़ी आसान है बाइक, और इसकी खास बात ये कि जैसे यूजुअली और स्पोर्ट्स बाइक में आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, इसमें हैंडल आपको थोड़ा पीछे दिया हुआ है, तो काफ़ी कंफर्टेबली आप अपनी बैक को लगभग स्ट्रेट रख के भी इसको चला सकते हो आराम से, और काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रही है बाइक। बस तो मेरे आराम से टच हो जा रहे हैं नीचे, पूरा पैर तो खैर नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर आप बिगनर भी हो और या एक्सपीरियंस्ड हो तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हो, 5.6 फीट हाइट में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। तो ठीक है भाई, 5.6 फीट हाइट वाले भी आराम से इसको चला सकते हैं, और मैं कहूँगा आपको 5.6, 7, 8, 9, 10 तक वाले हाइट वाले भी इसको आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। सो फाइनली लंबी हाइट की ओर चलते हैं, जो कि 5.11 मेरी खुद की है, मैं खुद प्रैक्टिकल करना चाहूँगा बाइक में मेरी हाइट कितनी अच्छी लगती है इस बाइक में, और मेरे टो इजीली पहुँच पाएंगे या मेरे पैर इजीली पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, मैं इसको चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा, एंड तक बने रहिए वीडियो में। सो बढ़ते हैं मेरी हाइट को लेकर 5.11। सो मैं देखने वाला हूँ बाइक में कितना अच्छा कंट्रोल और मैनूवर कर पाता हूँ मैं, पहली बार ही बैठ रहा हूँ बाइक में, और पहली बार ही शायद मैं ड्राइव भी करूँगा इस बाइक को। सो भाई मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं आपकी तरह इस बाइक में बैठने के लिए और चलाने के लिए। सो फाइनली आज बैठ के दिखाते हैं आपको। ठीक है देख।
सो भाई पहले तो बता देता हूँ लिफ्ट करने में कैसा लग रहा है मुझे। लिफ्ट करने में बहुत सिंपल थी बाइक और बहुत ज़्यादा इजी, भारी तो बिल्कुल भी नहीं लगी मुझे, और पैर उतने अच्छे से रिलैक्स तरीके से तो नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन ऑल दो मैं अगर अपने टो उठा लूँ या अपने एंकल उठा लूँ तो बहुत ईजी तरीके से मैं इस बाइक को लिफ्ट कर पा रहा हूँ। एक पैर में नीचे रख सकता हूँ और एक एंकल उठा सकता हूँ तो तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, और दोनों पैर पहुँचाऊँ तो उतने अच्छे से नहीं पहुँच पा रहे, बट ठीक है दोनों टो मैं इजीली पहुँचा सकता हूँ, और उतनी वेटेड भी नहीं है बाइक, और चलाने में तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर फर्स्ट गियर में भी आप चला रहे हो ना, ऐसा नहीं लग रहा कि फर्स्ट गियर में चल रही है बाइक, लग रहा है कि यार सेकंड थर्ड में बहुत जल्दी रेस पकड़ ले रही है, मज़ा ही आ गया। सो भाई आज की फाइनल हाइट होने वाली है 6 फीट। 6 फीट से ऊपर तो कोई भी इजीली चला सकता है, तो हमने 6 फीट से ऊपर रखे नहीं है बंदे, बट एटलीस्ट 6 फीट वाले तक हमको पहुंचना था, तो बुलाते हैं उन्हें कितना अच्छा कंट्रोल और मैनूवर कर पाते। भाई आके दिखाओ, इनके लिए तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो आराम से ही पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा करतब मत दिखाइए, सही लग रहे हो आप। बहुत अच्छे मैनूवर कर पा रहे हैं बाइक को और बहुत अच्छे से लिफ्ट कर पा रहे हैं, और लंबी हाइट वाले भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यार बाइक में, देख लो आप। लंबी हाइट वालों के लिए तो ये बाइक है डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ, और मीडियम वाले भी अच्छे लगेंगे, बट लंबी हाइट वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसमें। पूछ लेते हैं कितना अच्छा कंट्रोल मैनूवर कर पा रहे थे ये ना भाई। कंट्रोल तो ऐसा है इसका, मेरे को तो लाइट लगी थोड़ी है, बाकी चलाने में भी काफ़ी बढ़िया होगी। बाकी देखा जाए तो जैसे वैसी बाइक रहती है, उनकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है, पाँव थोड़े ऐसे मुड़ जाते हैं, पर इसमें ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, बेसिकली जो लंबी हाइट वाले हैं, तो ठीक है भाई, लंबी हाइट वालों के लिए ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यार इसमें पाँव भी नहीं मुड़ रहे हैं इनके, और वीडियोज़ में आप देख सकते हैं पाँव मुड़ रहे थे ज़्यादा ही, घुटने इनके ज़्यादा आगे आ जा रहे थे, लेकिन इसमें इनके घुटने नहीं मुड़ रहे हैं। सो 6 फीट वाले इसको आराम से चला सकते हैं और बहुत अच्छी लगने वाली 6 फीट में डेफिनेटली। KTM बाइक को लेकर आपको कोई भी क्वेरी या आप परचेज करना चाहते हैं, मैंने शोरूम का डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं एड्रेस और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी बाइक के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।